अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास एक्सरसाइज नंबर 1.2 में एक इशू आ रहा था बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 9 है आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 9 है x माइनस a ओवर x प्लस a, x माइनस a ओवर x प्लस a माइनस x प्लस a ओवर x माइनस a इज इक्वल टू 7/12। बेटा हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम लिया x प्लस a इंटू x माइनस a, x प्लस ए से कैंसिल हो जाएगा, x माइनस ए से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा x माइनस ए होल स्क्वायर। ये माइनस का साइन आ जाएगा, x माइनस ए से कैंसिल होगा, x प्लस ए से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, x प्लस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7/12। बेटा हमने दोनों का स्क्वायर ओपन किया, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये नेगेटिव साइन आ गया। x प्लस ए का स्क्वायर ओपन किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ओवर क्या आएगा, a प्लस 3 पे माइनस बी, x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 7/12, ये आ जाएगा। बेटा ये ब्रैकेट हम लोगों ने ओपन की, साइन चेंज हो गए, x स्क्वायर से कट गया, a स्क्वायर से कट गया, माइनस 2ax माइनस 2ax माइनस 4ax क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई, 12 इधर आ गया, 12 इनटू माइनस 4ax इज इक्वल टू 7 इनटू x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। मेरा बेटा ये 12 मल्टीप्लाई होगा माइनस 4 से तो ये क्या बन जाएगा, माइनस 48ax इज इक्वल टू 7x स्क्वायर माइनस 7a स्क्वायर। इसको बेटा हम लोगों ने अरेंज किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया है, 7x स्क्वायर माइनस 7a स्क्वायर प्लस 48ax इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि पहले x स्क्वायर होता है, फिर x होता है, देन विदाउट x होता है। ये 7x स्क्वायर प्लस 48ax माइनस 7a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बेटा इसको हमने फैक्टराइज किया मिड टर्म ब्रेक की, तो फैक्टर्स क्या बनेंगे, प्लस 49ax माइनस ax, क्योंकि ये 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा 49a स्क्वायर x स्क्वायर। तो हमें दो ऐसे डिजिट चाहिए थे जिनको प्लस माइनस करें तो प्लस 48 आए, मल्टीप्लाई करें तो माइनस 49 आए, तो वो फैक्टर्स इसके बनते हैं प्लस 49ax माइनस ax। पहले दो का एक पेयर बन गया, इसमें से 7x कॉमन आ गया, x प्लस 7a, ये जो साइन है ये एज इट इज आता है। लास्ट पेयर में से a कॉमन आ गया, ax माइनस 7a स्क्वायर में से a कॉमन आया तो ये बच जाएगा, a माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और 7a ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। x प्लस 7a हम लोगों ने कॉमन लिया और 7x माइनस a दूसरी ब्रैकेट में आ गया इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, 1 बाय 1 दोनों 0 हो जाएगी, यहां से x की वैल्यू आएगी माइनस 7a और दूसरी ब्रैकेट से क्या आएगा, 7x इज इक्वल टू a और x की वैल्यू फाइंड करनी है, 7 उस साइड पे जाके डिवाइड करेगा तो हमारे पास आंसर क्या बन गया, माइनस 7a कॉमा a प्लस 7, ये आप लोगों का आंसर 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज का टॉपिक है 1.3 क्वेश्चन नंबर 3। पहले दो क्वेश्चंस हम लोगों ने कल अटेम्प्ट किए थे। मेरे बेटा ये क्वेश्चन है 5x पावर 1/2 इज इक्वल टू 7x पावर 1/4 माइनस 2। मेरे बेटा पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, 5x पावर 1/2 माइनस 7x पावर 1/4, ये माइनस 2 जब लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा तो ये प्लस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। बेटा मैंने आप लोगों को बताया था जो छोटी पावर होती है उसको हम लोगों ने लेट करना होता है, इसमें पावर दी गई है 1/2 एंड 1/4, तो 1/4 1/2 से स्मॉलर है तो ये हमने लेट की, लेट x पावर 1/4 इज इक्वल टू y, ये इसको हमने a लेट कर लिया, दोनों साइड का स्क्वायर लिया, x पावर 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर। मेरा बेटा ये 2 4 से कैंसिल हो गया, बाकी बच गया x पावर 1/2 इज इक्वल टू y स्क्वायर, x पावर 1/2 इज इक्वल टू y स्क्वायर। अब हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन करनी है, ये आएगा 5x पावर 1/2 की जगह पे आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 7, ये आ गया x पावर 1/4 की जगह पे क्या आएगा y, ये प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम लोगों ने इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है, ये 5y स्क्वायर एज इट इज, ये 5 को हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई किया 10 बन गया 10y स्क्वायर, तो ये आएगा मेरा बेटा 5y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 2y प्लस 2, माइनस 5y और माइनस 2y ये इसके पेयर्स हैं, यहां से फर्स्ट पेयर में से 5y कॉमन आ गया मेरा बेटा, ये देखें ये एक पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया, इसमें से 5y कॉमन आ गया
y बच गया फर्स्ट टर्म में, ये नेगेटिव साइन एज इट इज आ गया, 5y पूरे का पूरा कॉमन आ गया तो माइनस वन आ गया। यहां पे बेटा देखें 2y प्लस 2 है, ये नेगेटिव साइन ये आ गया, 2 कॉमन आ गया, y माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ये बेटा क्या बनेगा, y माइनस वन हम लोगों ने कॉमन ले लिया, ये आ गया y माइनस वन और ये 5y माइनस टू दूसरी ब्रैकेट में आ गया इज इक्वल टू जीरो। y माइनस वन इज इक्वल टू जीरो कॉमा 5y माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, यहां से y की वैल्यू आ गई 1 और यहां से आ गई 2/5। अब क्वेश्चन चूंकि हमें x की टर्म्स में दिया हुआ था, हम लोग आंसर y की टर्म्स में नहीं दे सकते, इसको हमने y की वैल्यूज को दोबारा a में पुट किया, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ y इन a, x पावर 1/4 इज इक्वल टू y, ये a है, y की वैल्यू 1 थी, x पावर 1/4 इज इक्वल टू 1, बेटा हमने 4 को कैंसिल करना है तो होल पावर 4 ले ली, 4 4 से कैंसिल हो गया, x की x का आंसर क्या आ गया बेटा 1 पावर 4 क्या होता है 1 होता है, तो ये 1 पावर 4 1 हमारे पास एक आंसर आया है। इसके पैरेलल देखें x पावर 1/4 इज इक्वल टू y, y की वैल्यू क्या थी 2/5 हम लोगों ने पुट की, होल पावर 4 बेटा ये 2 पावर भी 4 है और 5 पावर भी 4 है, 2 पावर 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा, 5 पावर 4 करेंगे तो 625 आ जाएगा, ये आ गया 6/625। ये आप लोगों का सॉल्यूशन सेट है, ये 1 है आपका आंसर और दूसरी साइड पे है 16/625। मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 4 सेम है, ये आप लोगों का होमवर्क है।